औरंगाबाद में निजी स्कूलों द्वारा मनमाना फीस वसूली के खिलाफ छात्र अभिभावक संघ तथा एबीवीपी ने आंदोलन का फैसला लिया है। उनका कहना था कि कोरोना काल में लगातार लगभग 2 सालों तक स्कूल बंद रहे, बावजूद स्कूल प्रबंधन की तरफ से बिजली तथा बिल्डिंग चार्ज वसूले जा रहे हैं, जो कहीं से भी उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है और मामले में हस्तक्षेप की मांग की गई है। यदि जल्द ही इस पर कोई फैसला नहीं होता है तो इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा, जिसकी रूपरेखा तय कर ली गई है। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, बिल्डिंग चार्ज, ऐसे कई चार्जेज जो नहीं लेनी चाहिए थी, ऐसे चार्ज भी अपने मनमानी तरीके से प्राइवेट स्कूल ने लिया और अभिभावकों पे दबाव बनाया कि जो भी फी रखा गया है वह फी दिया जाए और नहीं तो आप अपने बच्चों का नाम वापस लेकर के घर ले जाइए। इस तरह का दबाव बनाना अभिभावकों पे कतई सही नहीं है। इसके लिए छात्र अभिभावक संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिला प्रशासन से, जिला शिक्षा अधिकारी से जा करके और आवेदन भी दिया है, इसकी मांग की है। अगर इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आगे हम लोग आंदोलन करने पे बात